हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोच बोलती। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। इससे पहले हमने देखा था जो एटीपी पावर पंप होते हैं उनमें एटीपी पावर पंप क्या है और इनके इन्हें किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा था पी टाइप एटीपेज, फिर एफ टाइप वी टाइप एटीपेज, फिर एफ टाइप एटीपेज और फोर्थ था एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो सबसे पहले जो पी टाइप एटीपेज था तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे। पी टाइप एटीपेज यानी जो पी टाइप के पंप्स होते हैं उनमें फर्स्ट एग्जाम्पल है एन ए प्लस के प्लस एटीपेज। तो इस वीडियो में हम इस सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, किस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें सोडियम और जो पोटेशियम आयंस होती हैं इनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है या इसे हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, इसे पी टाइप आयन पंप भी कहते हैं। पी टाइप आयन पंप, पी टाइप आयन पंप कहते हैं क्योंकि यह इनमें जो एटीपी होता है वह जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उनका फॉस्फोरिलेशन होता है और उन जो प्रोटीन्स होती हैं उनके कन्फर्मेशन में चेंज आ जाता है और जो एन प्लस आयन्स होती हैं के प्लस आयन्स होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या कहते हैं कि जो भी आयन्स होती हैं सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें जनरली लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में एटीपी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो एन ए प्लस के प्लस जो पंप होती हैं यह क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो मल्टी सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये कहाँ पाया जाता है, यह सभी हायर यूकेरियोट्स यानी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यह सोडियम पोटेशियम पंप होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें एनिमल सेल के, तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हम देखेंगे तो ये सबसे अधिक एनर्जी यानी 23% जो एटीपी है उसका यूज़ ह्यूमंस में सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा कर लिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होती है इनमें क्या होता है कि जो सोडियम आयन्स होती हैं तो ये 3 सोडियम आयन्स को सेल के बाहर ले जाता है और जो दो पोटेशियम आयन्स होती हैं उन्हें सेल के अंदर लेके आता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, यह सेल मेम्ब्रेन है, यह सेल का अंदर वाला पार्ट है, यह सेल के बाहर वाला है। तो इनमें जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं यानी कि जो एन ए प्लस के प्लस एटीपेज है या जो सोडियम पोटेशियम पंप है वह इस तरीके से इनमें प्रेजेंट होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि जो 3 सोडियम आयन्स होती हैं एन ए प्लस, 3 सोडियम आयन्स होती हैं इन्हें क्या करता है सेल के बाहर ले जाता है और जो कैल्शियम आयन्स होती हैं उन्हें सेल के अंदर लेके आता है। इनमें दो जो कैल्शियम नहीं जो दो पोटेशियम आयन्स होती हैं उन्हें जो दो पोटेशियम आयन्स होती हैं उन्हें सेल के अंदर लेकर आता है। यानी इनमें 3 सोडियम आयन्स जो हो रही हैं वो सेल के बाहर जा रही हैं और जो 2 पोटेशियम आयन हो रही हैं वो क्या हो रही हैं सेल के अंदर आती हैं। किसके द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो यह ट्रांसपोर्ट होता है वह कैसा होता है, हमेशा लो टू हाई कंसनट्रेशन होता है। तो जो सोडियम आयन्स होते हैं इनका कंसनट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, लो टू हाई। इसी तरीके से जो पोटेशियम आयन होती हैं इनका कंसनट्रेशन सेल के अंदर अधिक होता है और जो सेल के बाहर इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो यह क्या करते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होती हैं वह पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी होती है उन्हें मेंटेन करने का काम करते हैं और जो सोडियम आयन्स होती हैं और जो पोटेशियम आयन्स होती हैं इनके कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें जो 3 पॉजिटिव चार्ज हमने बाहर लेकर जा रहा है और केवल 2 पॉजिटिव चार्ज ही क्या हो रहा है, अंदर लेकर आ रहा है। तो इनमें क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, इस कारण इसे इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक
पम्प भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है। इनमें तीन पॉजिटिव आयन जिन्हें बाहर लेके गया, और जो दो केवल दो ही पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वह क्या होते हैं, सेल के अंदर आते हैं। इस तरीके से जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके द्वारा जो सोडियम आयन्स होती हैं, पोटेशियम आयन्स होती हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहता है, मेनटेन करके रखता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन में जो सोडियम आयन्स होती हैं और जो पोटेशियम आयन्स होती हैं, इनका पंप करना क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी यह बिना एनर्जी के इसे पंप नहीं कर सकता। तो इसका एनर्जी सोर्स क्या है, एटीपी है, और एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, तभी यह जो एनर्जी का यूज़ करके जो सोडियम आयन्स होती हैं और जो पोटेशियम आयन्स होती हैं उन्हें सेल के अंदर और बाहर क्या करता है, पंप करता है। इसमें अगर सोडियम पोटेशियम आयन्स को पंप को हम देखें तो सबसे पहले इसी की खोज की गई थी। जो और भी पी टाइप एटीपीएस हैं या जो पी टाइप के पंप हैं, उनमें सबसे पहले जो खोज की गई थी वह था सोडियम पोटेशियम पंप था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे तो इसे सबसे पहले 1957 में जो डेनिश साइंटिस्ट थे डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स क्रिश्चियन स्काउ, इन्होंने की थी। जो सोडियम पोटेशियम पंप है इनकी खोज 1957 में जॉन्स क्रिश्चियन स्काउ ने की थी, जो क्या थे, एक डेनिश साइंटिस्ट थे। जो सोडियम पोटेशियम पंप है उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे तो यह क्या है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वह एक क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें इस तरीके से एम्बेडेड होता है, और यह मल्टी प्रोटीन्स का बना होता है, मल्टी सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। इनमें दो अल्फ़ा सब यूनिट्स होती हैं और दो बीटा सब यूनिट्स होती हैं। इनमें जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है वह विभिन्न प्रकार के जो कैटालिटिक फंक्शंस होती हैं उन्हें कैटालाइज करने का काम करता है, और इनमें जो एटीपी बाइंडिंग साइट होती हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट होती हैं, जो फॉस्फोरिलेशन के लिए जो साइट्स होती हैं, सभी जो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। और इस तरीके से जो इनका फंक्शंस होता है उनमें अल्फा सब यूनिट जो होता है वह एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म के बारे में। इसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप है उनके मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सोडियम आयन्स होती है, पोटेशियम आयन होती हैं, वह सेल के अंदर और बाहर पंप किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह सेल मेम्ब्रेन है जिनमें क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और मल्टी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और इनमें विभिन्न प्रकार की बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती हैं। यह सेल के अंदर वाला पार्ट है यानी साइटोसोल, और यह आउटसाइड वाला पार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वह मल्टी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इनमें एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, और यह वह साइट होती है जहां फॉस्फोरिलेशन होता है। इसमें जो सोडियम आयन्स होती है उनके लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, यानी तीन सोडियम आयन जो सेल के बाहर जाते हैं उनके लिए तीन बाइंडिंग साइट हैं, और दो पोटेशियम आयन्स के लिए दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, जिनमें जो सोडियम आयन्स होंगे और जो पोटेशियम आयन्स होंगे वह आकर बाइंड करेगा। तो सबसे पहले एक स्टेज जो स्टेज है वह E1 है, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है कि इनमें जो सोडियम आयन्स होती हैं, जो सेल के अंदर जो सोडियम आयन्स होती हैं जिन्हें क्या करना है, सेल के बाहर पंप कराना है, तो वह क्या होंगी, सबसे पहले इनमें आके इस तरीके से बाइंड कर जाती हैं। जो सोडियम आयन्स होती हैं वह इस बाइंडिंग साइट में आकर बाइंड कर जाती हैं, और जो एटीपी होता है तो एटीपी के लिए जो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उनमें एटीपी आके बाइंड हो जाता है। यह अभी भी E1 अवस्था में है। इसके बाद क्या होता है, अब जब सोडियम आयन्स आके बाइंड हो गया और एटीपी भी आकर बाइंड हो गया, तो अब इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, जो एटीपी होता है वह क्या हो जाता है, टूट जाता है एडीपी प्लस फॉस्फेट में। तो एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अब इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा, जो फॉस्फेट होता है वह इसके मतलब जो फॉस्फोरिलेशन के लिए जो साइट्स हैं वहाँ पर आके जुड़ जाता है फॉस्फेट, और इसका क्या हो जाता है, फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है वह इसके एस्पार्टिक एसिड जो रेजिड्यू होती है उनसे आकर जुड़ जाता है, एस्पार्टिक
एसिड रेजिड्यू, इनसे आकर जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं, फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब फास्फोरिलेशन जैसे ही होता है तो इनमें क्या हो जाते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाते हैं। हम देखते हैं कि यह शुरू में क्या था, इस तरह खुला हुआ था, कहाँ, साइटोसोल की ओर, लेकिन जैसे ही इनका फास्फोरिलेशन होता है इनमें कन्फर्मेशन चेंज आ जाएंगे और यह क्या हो जाता है, इधर खुल जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरीके से हो जाता है, जिससे जो इनमें सोडियम आयन्स यहाँ पर बाइंड किए हुए थे वह क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, और इस तरीके से जो सोडियम आयन्स होता है सेल के बाहर चला जाता है। और इस कन्फर्मेशनल चेंज के बाद यह क्या होता है, E2 स्टेज में आ जाता है। उसके बाद इनमें क्या है, फॉस्फेट इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब जब यह इस तरफ खुल जाता है तो जो सेल के बाहर जो पोटेशियम आयन्स होती हैं, तो इनमें दो पोटेशियम आयन क्या करते हैं, आकर इसके जो बाइंडिंग साइट होती है उनमें आके बाइंड हो जाते हैं। तो जो पोटेशियम आयन्स होंगी वह क्या करेंगी, यहाँ पे आकर बाइंड कर जाएंगी, क्योंकि इन्हें सेल के बाहर से कहाँ लाना है, सेल के अंदर लाना है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन्स होती हैं वह आकर बाइंड कर जाती हैं। यह अभी भी E2 स्टेज में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जो पोटेशियम आयन्स होती हैं वहाँ आकर बाइंड होती हैं, उनके बाद क्या हो जाता है, इनका डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है। फॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फेट का जुड़ना और डीफॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फेट का निकलना। तो इनमें क्या हो जाता है कि डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है और जो फॉस्फेट होती हैं वह बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होगी, कन्फर्मेशनल चेंज होंगी और यह पुनः अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाएगी। यानी हमने देखा कि जब फास्फोरिलेशन हुआ उसके बाद ही इनमें क्या होती है, कन्फर्मेशनल चेंज होती है। तो जैसे ही जो डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, यानी जैसे ही फॉस्फेट निकल जाएगा, तो यह पुनः पहले वाली स्टेज में आ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, E1, और यह जो क्या होगा, साइटोसोल की ओर खुल जाएगा। अब जो पोटेशियम आयन्स थी वह अभी भी इसमें बाइंड किए हुए हैं, और जैसे ही यह पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाती है तो जो पोटेशियम आयन्स होती हैं वह क्या होती हैं, सेल के अंदर इस तरीके से आ जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं, और इनमें जो बाइंडिंग साइट्स थी वह पुनः खाली हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से इनमें यह प्रोसेस चलते रहती है, और फिर से जो सोडियम आयन्स होंगे वह आकर बाइंड करेंगे और ATP हाइड्रोलिसिस होगा, और फॉस्फोरिलेशन की क्रिया द्वारा इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होंगी, जिसके द्वारा जो सोडियम आयन्स होंगी वह सेल के बाहर जाएंगी और जो पोटेशियम आयन होंगी वह सेल के अंदर आएंगी। इस तरीके से जो सोडियम आयन्स होती हैं, पोटेशियम आयन्स होती हैं, उनको पंप किया जाता है और इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं उन्हें मेंटेन रखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के फंक्शंस के बारे में। तो ये क्या कहते हैं कि जो सोडियम आयन्स होती हैं, पोटेशियम आयन्स होती हैं, उन्हें सेल के अंदर और सेल के बाहर ले जाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोज होती है, अमीनो एसिड्स होती हैं और अदर जो न्यूट्रिएंट हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यह न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करने का काम करती हैं, और जो सोडियम पोटेशियम पंप है उनके हेल्प से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग भी की जाती है। इसके अलावा यह सेल में जो सोडियम आयन्स होती हैं और जो पोटेशियम होती हैं इनके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। इस तरीके से जो पी टाइप एटीपेज या पी टाइप पंप में हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके मैकेनिज्म क्या है, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैल्शियम पंप के बारे में। इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।